तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज और मेरे चैनल का नाम है जी आईजे रिव्यू। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन स्पेसिफिकेशंस बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इन्फिनिक्स वाले पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कैम करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले। दोस्तों अगर बात की जाए ना कि इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले का जो बैक का डिज़ाइन है और जो कैमरा डिज़ाइन है, जो उसका डिस्प्ले डिज़ाइन है, सेम टू सेम आपको दोस्तों इन्फिनिक्स हार्ट 10 प्ले जैसा ही देखने को मिलेगा। दोस्तों देखा जाए तो इन्फिनिक्स हार्ट 10 प्ले का और इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले का जो कैमरा डिज़ाइन है सेम है, और उसके अलावा अगर बैक का डिज़ाइन देखा जाए तो इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले का बैक का डिज़ाइन देखा जाए तो सेम है। अगर डिस्प्ले डिज़ाइन को देखा जाए तो इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले का जो डिस्प्ले डिज़ाइन है सेम है, कोई भी डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा इन दोनों डिवाइसेस में। दोस्तों बस इस डिवाइस में ना प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस को चेंज किया गया, बस आपको दोस्तों इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले में एक नया कलर देखने को मिलेगा, गोल्डन कलर देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन में ना आपको जो डिस्प्ले साइज प्रोवाइड किया गया वो 6.82 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज प्रोवाइड किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्टफोन में आपको 720x1080 की आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं प्रोवाइड किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इन्फिनिक्स हार्ट 10 प्ले में भी दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं थी दी गई, और दोस्तों इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले में भी कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई। भाई सबसे ज्यादा घटिया डिवाइस होने वाली है इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले, ठीक है। कहते हैं ना जिसे सबसे बड़ा स्कैम करना इन्फिनिक्स वालों, तुम वो करने वाले हो पाकिस्तान में, कुछ शर्म करो, कुछ याद करो। पबजी तो इसमें भी चल जाती है लेकिन आपको परफॉर्मेंस अच्छी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार इस डिवाइस को लेने से अच्छा है कि इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले को लेने से अच्छा है कि आप टेक्नो पोवा 2 को परचेज कर लेना। तो डेफिनेटली दोस्तों इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले का कभी भी वेट नहीं करना, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले का और इन्फिनिक्स हार्ट 10 प्ले का डिस्प्ले डिज़ाइन, कैमरा डिज़ाइन और उसके अंदर की सारी स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन को चेंज किया गया। अब बात करते हैं इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले के प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ना आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे दोस्तों XOS 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जो इन्फिनिक्स का अपना है। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए ना स्मार्टफोन में आपको MediaTek UG35 की चिपसेट प्रोवाइड की गई है। पता नहीं देगा क्या उन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए ना स्मार्टफोन में आपको जो GPU प्रोवाइड किया गया है वो PowerVR GE8320 का यहाँ पे आपको GPU प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो MediaTek UG35 की चिपसेट एक अच्छी चिपसेट है, ठीक है। डेफिनेटली दोस्तों ये चिपसेट मिड रेंज डिवाइसेस में ही दी जाती है, हम मानते हैं। लेकिन दोस्तों इस डिवाइस की जो प्राइस 28,000 मुझे पता चली है ना, तो यार मैं तो फुल ही कह सकता हूं कि मुझे गुस्सा चढ़ गया कि यार 28,000 हम इस डिवाइस के लिए दे, ठीक है। तो तकरीबन दोस्तों इसकी डिवाइस की जो प्राइस होने वाली है, इस डिवाइस की अगर प्राइस होती है ना पाकिस्तान में यार तकरीबन 15,000 से 16,000 या 17,000 तक होती है, तो फिर दोस्तों ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि इन्फिनिक्स की तरफ से ये सबसे बड़ा स्कैम है, ठीक है। यहाँ पे आपको पबजी की परफॉर्मेंस भी बस नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर बात की जाए ना तो इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले और इन्फिनिक्स हार्ट 10 प्ले की जो परफॉर्मेंस है सेम टू सेम है। इन दोनों डिवाइसेज की जो परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए ना आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगी, और कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में मैंने आपको कहा था ना कि सारी ही स्पेसिफिकेशन दोस्तों इन्फिनिक्स हार्ट 10 प्ले जैसी हैं, बस यहाँ पे एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया गया है और उसके अलावा MediaTek UG35 की चिपसेट दे दी गई है। अगर बात करें ना स्मार्टफोन में आपको बैक पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया है, और जो उसका सेकंड वाला कैमरा दोस्तों वो है जी हमारे पास 2 मेगापिक्सल का। यहाँ पे आप दोस्तों आपको AI लेंस की भी ऑप्शन प्रोवाइड की गई है, और दोस्तों 3 कैमरा के साथ ही आपको 4 LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। फ्रंट पे दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों आपको ना इन्फिनिक्स हार्ट 11 प्ले में 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और 10W की चार्जिंग की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है। अगर आप दोस्तों एक कैमरा लवर हो तो फिर भी दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये दोनों डिवाइसेज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे दें इजाज़त, तो आज के लिए इतनी वीडियो, अल्लाह हाफिज़।